लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। खासकर सत्ता में काबिज बीजेपी में नायब सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, सत्ता संभाली तो कयासों का बाजार गर्म हो गया कि आखिर मनोहर लाल जी का अगला कदम क्या होगा, क्या राज्य में केंद्र की ओर रुख करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दरअसल करनाल के डॉक्टर मंगल सिंह ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हुआ, जहाँ पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और अलग अलग योजनाएं जो देश के वंचित लोग हैं उनके लिए लेकर आए, उसका जिक्र किया गया। कार्यक्रम में करनाल के सांसद संजय भाटिया भी लाभार्थियों के साथ मौजूद रहे। ऐसे में कार्यक्रम संपन्न हुआ तो संजय भाटिया मीडिया से मुखातिब हुए और कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। करनाल के सांसद ने मनोहर लाल के करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ने के भी संकेत दिए। क्या पता वो इस पंचायत से बड़ी पंचायत में जा रहे हो, ये भी हो सकता है। मतलब आपका आपका कहना ये है कि अब लोकसभा लड़ेंगे करनाल से? जो मेरे को, मैं तो यही चाहता हूँ कि इस लोकसभा के लोग भी चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रदेश के अंदर इतनी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करते हुए इस प्रदेश का नाम पूरे हिंदुस्तान में सबसे आगे किया, मेरी भी इच्छा है और मेरे साथ मेरे सब भाई बहनों की इच्छा है कि वो व्यक्ति देश के अंदर जाके इस देश का नाम दुनिया के अंदर सबसे ऊपर जाए। वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी के उपचुनाव लड़ने पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संजय भाटिया ने कहा कि ये सब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। नहीं, ये मैं नहीं बता सकता, ये तय करेगा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और हमारी जो इच्छा है वो मैंने आपको। करनाल के सांसद ने जेजेपी से टूटे गठबंधन पर भी अपनी राय दी और भविष्य में अपनी जिम्मेदारी के बारे में भी बताया। जातियों में आप बांटोगे, इस देश को बांटने वाले लोग ऐसे विपक्षी लोगों की पहले कमी नहीं है। अगर हम लोग भी, आप जैसे अच्छे लोग भी, पत्रकार भाई भी जातियों में बांट के इस देश को कर दिया, इस वजह से हम सैकड़ों साल गुलाम रहे। कोई आप जाति मत देखे, मैं समझता हूँ माननीय मनोहर लाल जी द्वारा तराशे हुए एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता को, ऐसे नायब भाई को इस प्रदेश का मुखिया बनाया। और सबसे बड़ी बात, ये प्रेरणा कार्यकर्ताओं के लिए इतनी ज़्यादा है कि जिसने कार्यकर्ता में प्रदेश कार्यालय में एक कंप्यूटर के ऊपर बैठ के अपना जीवन यात्रा शुरू की थी, आज वो प्रदेश का मुखिया है, वो सांसद भी बने, वो मंत्री भी बने, वो विधायक भी बने, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने, आज एक और बोले। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत पल पल बदल रही है। बीजेपी आलाकमान अभी हरियाणा में लोकसभा टिकटों पर मंथन कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि किसे कौन सी सीट मिलती है और कैसे 10 सीटों के समीकरण को साधने में बीजेपी एक बार फिर सफल होती है। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।